ये गाड़ी है, और ये गाड़ी नहीं है, ये भाई कुछ कमाली है। इसको मैं दबाता भी हूँ ना, तो देख सकते हो आप क्या बताएगा। तो फाइनली जो हाइपर मोड है वो एक्टिवेट है। आप तो बस 1 किलोमीटर चलने में ही 2% बैटरी का जो लॉस है वो हो चुका है। दोस्तों अभी मैं हूँ नेशनल हाईवे 9 पर, और आप देख सकते हो भाई पीछे का जो व्यू है वो कितना शानदार है। और यहाँ आने का जो रीज़न है ना, वो सिर्फ और सिर्फ ये गाड़ी है, और ये गाड़ी नहीं है, ये भाई कुछ कमाल ही है। और कमाल क्यों है वो अभी हम थोड़ी देर में बताएंगे। फिलहाल ये है ओला S1 प्रो जनरेशन 2। इसको हमने परचेज किया था 31 मार्च को, क्योंकि आप जानते हो उस समय एक सब्सिडी वाला इनका कोई सिस्टम आया था, तो डिस्काउंट मिल रहा था, तो हमने इसको तुरंत ही उस समय खरीद लिया। और ये हमारे पास 18 अप्रैल के आसपास डिलीवर हुई, तो लगभग 5 महीने हो चुके, क्योंकि आज है 14 सितंबर, और आज हम इसका जो रेंज टेस्ट है वो कर रहे हैं। जो गाड़ी है हमारी, यानी कि जो ओला S1 प्रो है, वो अब तक लगभग 11,500 किलोमीटर प्लस चल चुकी है, और आज हम इसका हाइपर मोड पर जो रेंज टेस्ट है वो कर रहे हैं। तो फिलहाल उससे पहले मैं दिखा देता हूँ, देखो कितनी बढ़िया लोकेशन है, बराबर से शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन भी जा रही है, जो कि काफ़ी ज़्यादा शानदार लग रही है। तो एकदम परफेक्ट लोकेशन है, हर चीज़ यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। तो आज इसका जो रेंज टेस्ट है वो हम कर रहे हैं, लेकिन रेंज टेस्ट करने से पहले हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा। पीछे का मतलब इस वीडियो को शुरू से शुरू करना होगा, क्योंकि वीडियो यहाँ से शुरू नहीं होती है, वीडियो शुरू होती है कहीं और से, तो फिर वहीं चलते हैं और फिर पूरी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, और आपको एक जेन्युइन और रियल टेस्ट देते हैं इस ओला S1 Gen 2 का। दोस्तों ये लगी है अपनी ओला S1 Pro चार्जिंग पर, और ये देख सकते हो आप, तो वो फुल चार्ज हो जाती है, तो यहाँ पर भी इंडिकेट हो जाता है। आप जैसा देख पा रहे हो ग्रीन लाइट जल चुकी है, वरना इसमें रेड लाइट ब्लिंक होती है, तो ये फुल चार्ज इस समय, इसलिए यहाँ पर लाइट जल चुकी है। और अगर हम यहाँ पर भी देखेंगे तो चार्जिंग कंप्लीट लिखकर आ रहा है। तो आज हम इसका रेंज टेस्ट करने वाले हैं, तो मैं आज का आपको दिखा देता हूँ। फिलहाल बैटरी अपनी जो है वो बिल्कुल 100% चार्ज है, और इसके अलावा आज ऑलरेडी ये 60.2 किलोमीटर चल चुकी है, जिसमें इको में 45 किलोमीटर, नॉर्मल में इतनी, और हाइपर में कुछ नहीं चली है। ठीक है, तो आज जो है आप हमारी जो आगे की पूरी जर्नी होगी वो इसके आगे से होगी, यानी 60.2 ऑलरेडी हम चल चुके हैं, तो इसके आगे से हमारा होने वाला है पूरा जो आज का टेस्ट है। और अभी आप देख सकते हो यहाँ पर बैटरी बिल्कुल 100% दिखा रही है, जिसमें इको की रेंज है, नॉर्मल की, स्पोर्ट्स की और हाइपर की। तो आज अपना जो पूरा टेस्ट है वो हाइपर पर ही रहने वाला है। 100 की रेंज है, देखते हैं हमें 100 का जो माइलेज है वो मिलता ही नहीं मिलता है, अभी क्या रेंज मिलती ही नहीं मिलती। इसके अलावा अभी बैटरी का टेम्परेचर देख सकते हो आप, 32 डिग्री है, और मोटर का 26.5। तो बैटरी के टेम्परेचर पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि हमारी जो बैटरी है वो कितना लॉन्ग जा सकती है, कितनी ज़्यादा रेंज हमें मिल सकती है। तो फिलहाल इस बैटरी रेंज टेस्ट को शुरू करते हैं, और ये जो रेंज टेस्ट है वो शुरू हो जाता है यहीं से ही। तो हाइपर मोड हमने लगा दिया है यहाँ पर, और इसके अलावा 11,757 अपनी जो ओला S1 प्रो है वो अभी तक टोटल चल चुकी है। तो अब चलते हैं यहाँ से आगे की जर्नी कंटिन्यू करते हैं। चलाऊं? तो अभी हम चले हैं सिर्फ 0.6 किलोमीटर, और बैटरी 99% हो चुकी है, बहुत ज़्यादा कुछ भी ना आ रोकनी पड़ेगी। और बस थोड़ी ही देर के बाद पहुंचने वाले हैं हम हाईवे पर। तो बस 1 किलोमीटर चलने में ही 2% बैटरी का जो लॉस है वो हो चुका है, तो इसके हिसाब से तो हम सिर्फ 50 किलोमीटर ही चल पाएंगे।
तो फाइनली हमने एक पहला स्टॉप ले लिया, पहला स्टॉप लिया है काफी बढ़िया लोकेशन पर। तो अभी मैं आपको इसके ऑडोमीटर पे दिखा देता हूँ। तो अभी हम चल चुके हैं 21.6 किलोमीटर और हमारी जो बैटरी कंज्यूम हुई है वो हुई है 72%। और बाकी व्हीकल स्टेट में हम दिखा देता हूँ आपको मैं। तो अगर हम इधर आएंगे तो आप देख सकते हैं व्हीकल स्टेटस में, तो हमने अभी हाइपर पे 21.6 किलोमीटर चलाई है, जो कि रियल में इतनी ही चलाई है क्योंकि हम जब वहाँ से निकले थे तो 0 किलोमीटर थी जब हमने स्टार्ट किया था, और अभी 21.6 चल चुके हैं और हमारी टॉप स्पीड 120 रही है जो कि इस कंपनी बोलती भी है। और इसमें एक ज़रूरी चीज़ वो है ये व्हीकल स्टेटस। तो बैटरी का जो टेम्परेचर है आप देख सकते हैं बढ़ चुका है, जब मैंने दिखाया था 36 डिग्री था अब 45 है, तो ये और मोटर का भी 64 पहुँच चुका है 26 से। तो ये दोनों ही चीज़ चेंज हो चुकी हैं, ये दोनों ही चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। अब बस मेन बात यही है कि जो बैटरी की जो अपना देखा टेम्परेचर आपने, अगर जो बैटरी का टेम्परेचर है भाई वो अगर अंडर कंट्रोल रहता है तो बैटरी बहुत ज़्यादा एफिशिएंटली काम करती है। और ये जो हमारा रेंज टेस्ट हो रहा है वो दो लोगों पर हो रहा है, यानी कि मैं और जो हमारे भैया हैं जो इस समय कैमरा को होल्ड किए हुए हैं उनके, तो हम दो लोग हैं। और ये जो हमारी ओला एस वन प्रो है जो कि जनरेशन 2 है, इसके दोनों ही टायर में अभी जो करंटली टायर प्रेशर है वो लगभग 45 PSI का है दोनों ही टायर में। तो हमने कंपनी जो बोलती है उससे थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा प्रेशर है वो रख रखा है, जिससे थोड़ा रेंज हमें हो सकता है बढ़िया मिल सके। और बाकी हम दो लोग हैं, मेरा जो वेट है वो 58 kg है और भैया का अराउंड 65 है। तो आप मान सकते हैं कि करीब 120 किलो का जो वजन है वो इस ओला एस वन प्रो पर चल रहा है, तो उसके हिसाब से आप जो रेंज है वो जज करना। तो अभी लगभग हमने काफ़ी ज़्यादा जो एक राउंड है वो मार दिया, बेसिकली हम मुरादाबाद से चले और फिर रामपुर बाईपास तक पहुँचे और फिर वापस से अभी मुरादाबाद बाईपास जिसे 0 पॉइंट भी बोला जाता है वहाँ पर अभी हम खड़े हैं। और अभी जो बैटरी परसेंटेज है वो 50 हो चुका है, तो अभी हम आपको दिखाता हूँ कि 50% में कितनी अपनी जो ओला एस वन प्रो जैन 2 है वो चली है। तो एग्जैक्ट 50% हमारी जो बैटरी है वो हो चुकी है और अभी भी आप देखते हो तो हाइपर मोड लगा हुआ है और अभी हम चल चुके हैं पूरे 39 किलोमीटर। तो इस हिसाब से तो अपनी जो गाड़ी है यानी कि जैन 2 है ये चलने वाली है लगभग 78 किलोमीटर और अभी आप देख सकते हो 39 हाइपर पे ही हम चले हैं और टोटल हमारी 120 की स्पीड रही है और एवरेज स्पीड हमारा 41 आया बेसिकली और एफिशिएंसी हमारी बहुत ज़्यादा बेकार आई है 35 की आई है। बाकी स्टेटस देख सकते हो बैटरी अभी भी 50 डिग्री पहुंच चुकी थी, हम कंटिन्यू चल रहे हैं बहुत देर से और मोटर का टेम्परेचर भी 76.3 अप डाउन हो रहा है क्योंकि हम रुक चुके हैं, तो मोटर का टेम्परेचर भी एकदम हाई मतलब बहुत ही ज़्यादा ऐसा लग रहा है हमें बहुत ज़्यादा पहुंच चुका है। पर देखते हैं अभी कितना चलते हैं और हाइपर पर भी 56 दिखा रहा है बट लग नहीं रहा कि 56 ये कहीं से कहीं तक चलने वाली है। तो अभी बैटरी हो चुकी है 27% और 55.2 किलोमीटर हम चल चुके हैं और मोड हमारा नॉर्मल हो चुका है और ये हमने नहीं किया है, खुद ही हो गया है क्योंकि अगर मैं यहाँ से मोड का जो बटन है इसको मैं दबाता भी हूँ ना तो देख सकते हो आप क्या बताएगा। तो इसलिए भाई स्कूटर ने खुद ही जो अपनी परफॉर्मेंस है वो रिड्यूस कर दी है और इसका रीज़न मेरे हिसाब से जो है
वो है व्हीकल स्टेटस में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर जो बैटरी का टेम्परेचर है वो 55 डिग्री पहुँच चुका है और मोटर का तो कम है 63 ही है बट बैटरी का ज़्यादा ही हो गया है। तो हो सकता है इस वजह से ऐसा हुआ हो क्योंकि बैटरी का टेम्परेचर रियल में काफ़ी ज़्यादा है और उसको मेंटेन करने के लिए इसने अपनी जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ी डाउन कर दी है। बाकी अगर देखा जाए ना तो जो जैन 3 आएगा आने वाले टाइम में उसमें लिक्विड कूलिंग होगी तो वहाँ पर ये शायद प्रॉब्लम ना देखने मिले। तो हमने जो ये रेंज टेस्ट स्टार्ट किया था तब हाइपर पर बिल्कुल भी नहीं चली थी तो 52.9 किलोमीटर हमारी हाइपर पर चली यानी कि 53 किलोमीटर हम मान सकते हैं और ओवरऑल अभी हम चल चुके हैं 55.2। तो 2 किलोमीटर पहले ही जो हाइपर मोड है वो हट चुका है और यहाँ पर देख सकते हो मोड नहीं बदल रहा है, नॉर्मल पर ही हमारी जो स्कूटी है वो रह रही है। तो अभी बैटरी का टेम्परेचर 53 डिग्री पर आ चुका है, 55 के आसपास था। तो अभी थोड़ा और वेट करेंगे, 6:57 हो रहे हैं तो 7:15 तक का वेट करेंगे जिससे जो हाइपर मोड है शायद वो फिर इनेबल हो जाएगा। हाइपर मोड है वो नहीं लग पा रहा है और अगर हाइपर मोड नहीं लगेगा तो हमारा जो पूरा का पूरा भाई जो ये हम रेंज टेस्ट कर रहे हैं वो बिल्कुल फेयर नहीं रहेगा। तो फेयर रखना है तो इसलिए थोड़ा सा इंतजार करते हैं, बैटरी का टेम्परेचर डाउन होगा तो पूरी उम्मीद है कि जो हाइपर मोड है वो फिर से लग जाएगा। फाइनली अभी हम काफ़ी देर से वेट कर रहे हैं, सिर्फ खड़े हैं, देखो किलोमीटर बिल्कुल नहीं बढ़े हैं, उतने के उतने ही हैं बट बैटरी परसेंटेज हमारा अभी देख सकते हो 1% बैटरी कम हो चुकी है, 26 हो चुकी है 27 से और ये इसलिए हुआ क्योंकि जो हेडलाइट है वो ऑन है कंटिन्यू। तो फिलहाल अभी मैं आपको दिखा सकता हूँ यहाँ पर हाइपर फिर से लग चुका है और वो क्यों लगा है, टाइम हो चुका है 7:18, तो लगभग 28 मिनट के आसपास मान सकते हैं 28 मिनट का टाइम लगा और बैटरी टेम्परेचर 49 डिग्री पर आ चुका है। तो 49 पर आ चुका है जिसकी वजह से स्पोर्ट्स और हाइपर दोनों दिखा रहा है, तो हाइपर वो 36 की रेंज दिखा रहा है जो कि नहीं जाएगी वाली बात बिल्कुल फिक्स है। तो फाइनली अब फिर से हम इस रेंज टेस्ट को शुरू करते हैं और रेंज टेस्ट अपना होगा मस्त इस बार भी क्योंकि पूरा हाइपर पर ही हम चलने वाले हैं, हाइपर मोड हमारा लग चुका है और मैं आपको एक बार मोड चेंज करके भी दिखा देता हूँ। देखो नॉर्मल, स्पोर्ट्स और हाइपर, तो सारे मोड बिल्कुल लग पा रहे हैं। तो फाइनली अब हम चलने को तैयार हैं, भाई अपना जो हेलमेट है वो मैंने लगा लिया है और इधर खड़ी है अपनी जैन 2। तो बैटरी बची है सिर्फ अब 20% और 20% बैटरी में नॉर्मल मोड आ चुका है। तो ये वाली बात आप हमेशा ध्यान रखना कि जब भी बैटरी 20% पर आएगी तो नॉर्मल मोड ही रहेगा, मोड चेंज करके देखेंगे। देखो तो जो मोड है वो चेंज नहीं हो सकता, मतलब ये कि नॉर्मल ही रहेगा। और अगर इससे हम एक कंक्लूजन निकालें तो वो ये है क्योंकि अगर आप हाइपर पे चलाएंगे तो जाहिर सी बात है आप 80% बैटरी तक ही, मतलब 80% बैटरी यूज़ कर पाएंगे हाइपर पर। तो हाइपर पर जो हमारी ओला S1 Pro Gen 2 ने रेंज दी है वो दी है 61.3 किलोमीटर। तो अगर बिल्कुल आप एकदम हाइपर तरीके से चलाएंगे जैसे हमने चलाई है और मैक्सिमम स्पीड पे ही चलाया मोस्टली और बहुत ज़्यादा हमने कोशिश की है कि बिल्कुल हार्डली ड्राइव करें, जिसकी वजह से एक बार हमें रुकना भी पड़ गया था बीच में क्योंकि हमने बहुत हार्ड ड्राइव करा था। और टुडे राइड आप देख सकते हो हाइपर पर ही रही है, 58.6 किलोमीटर हम चले हैं हाइपर मोड पर, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जो बैटरी है वो कंज्यूम हुई है। तो मतलब यही है कि हाइपर मोड आप अगर कभी भी चलाएंगे तो सिर्फ 80% बैटरी ही यूज़ कर पाएंगे, उसके बाद में जैसी बैटरी 20% पर आएगी तब आपका नॉर्मल मोड लग जाएगा और इसके बाद में जब 15% पर आएगी तो इको मोड लग जाएगा। तो अब फिलहाल अब घर की तरफ जाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से घर काफ़ी दूर है वरना हम घर भी नहीं पहुँच पाएंगे। तो ये अभी तक का कंक्लूजन रहा है इस रेंज टेस्ट का।
15% बैटरी हो चुकी है और इको मोड लग चुका है ऑटोमेटिक, तो चाहकर भी अब मैं इसमें मोड चेंज नहीं कर सकता। तो आप ये देख सकते हो, तो टोटल अभी तक हम चल रहे हैं 67.1 किलोमीटर, जिसमें हाइपर मैंने आपको दिखाई दिया था 58 किलोमीटर थे और बाकी फिर हम नॉर्मल चले। तो नॉर्मल पहले कितना था वो मैं आपको बताई दूंगा थोड़ी देर में देखकर, और अब हम चलेंगे इको पर। तो फाइनली आप देख सकते हो 6% बैटरी बची है और हमारा ओला चला है 78 किलोमीटर और ये पूरा ट्रिप हमारा हाइपर मोड पर रहा है। बड़ी बात बस यही है, और पार्किंग मोड कह रहा है कि आपका पार्किंग स्टैंड ओपन है, मतलब ये है कि पार्किंग नहीं लगा और हमने स्टैंड लगा दिया तो इसने ये वाला नोटिफिकेशन आ रहा है। तो इको पर हम आए हैं, तो भाई बस मैं यही कहना चाहूँगा, तो ओवरऑल काफ़ी बढ़िया रहा पूरा सिस्टम। और बाकी बात करें अभी करंट टेम्परेचर का, तो देख सकते हो आप 37 की एफिशिएंसी आई है, 37 वाट आवर पर किलोमीटर की, जो कि बहुत ही ज़्यादा बेकार है, जिसकी वजह से एवरेज इतना ज़्यादा कम आया, बोले तो रेंज इतनी कम मिली है। टॉप स्पीड हमारी 120 किलोमीटर की रही, 1 किलोमीटर का रीजेन भी हुआ है जिसमें, और रीजेन होना भी बंद हो गया था जब बैटरी मतलब मोटर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया था। और अगर व्हीकल स्टेटस, तो आप देख सकते हो 6% बैटरी इस समय बची है, बता रहा है कनेक्ट करो चार्जर। 45 डिग्री बैटरी का टेम्परेचर है और 43.2 डिग्री मोटर का टेम्परेचर है, तो सब कुछ कंट्रोल्ड सेफ है, पर सिर्फ इको ही आ रहा है। अब नॉर्मल स्पोर्ट्स और हाइपर में से कुछ भी शो नहीं हो रहा है, क्योंकि बैटरी ही इतनी कम है और जब बैटरी कम हो जाती है तो क्रूज कंट्रोल भी नहीं लगता है। फाइनली ये वाली जो रेंज टेस्ट की वीडियो वो यहीं पर ही खत्म हो जाती है, काफी ज्यादा बढ़िया रहा। अगर ओवरऑल कंक्लूजन की बात करूं तो इसमें 4 किलोवाट आवर की बैटरी है, यानी कि अगर आप इसको फुल चार्ज करोगे तो भाई आपके 4 यूनिट जो है वो खर्च होने वाले हैं, और 4 यूनिट की कॉस्ट की बात करें अगर आप घर पर चार्ज करते हो तो लगभग 30 रुपीज आपके खर्च होंगे। और हमने जब हाइपर पर चलाई तो पूरा हाइपर हाइपर चलने पर लगभग 60 किलोमीटर चली हुई 58.9, जिसमें बिल्कुल हमने रॉ तरीके से चलाई, जिसमें बहुत ही ज्यादा मतलब मैक्सिमम हमारी 100 स्पीड रही, तब जाकर इतना जो रेंज है वो मिली। तो मतलब वही है कि 30 रुपए में आपको 60 किलोमीटर की रेंज मिल रही है हाइपर पे चलाने पर। तो अगर आप कोई भी बाइक ले लो उसको 120 की स्पीड से अगर आप चलाओगे तो भाई नहीं मिल सकती इतनी ज्यादा रेंज, मतलब उसमें इतना ज्यादा माइलेज नहीं आ सकता। तो ओवरऑल अगर इसको कंपेयर किया जाए तो बहुत ज्यादा ये इकोनॉमिकल है। और अभी वाला हमारा जो रेंज टेस्ट था वो था पूरा हाइपर पर, हमने मैक्सिमम इसको हाइपर पे चलाया, जहां तक अलाउ कर रहा है कंपनी ने उतना हमने हाइपर पे चलाया, क्योंकि उसके बाद में नॉर्मल पे खुद ही स्विच हो गया और फिर उसके बाद में थोड़ी देर बाद में स्विच हो गया वो अपना इको पर। तो बस इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक ही, उम्मीद है आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी। और नेक्स्ट रेंज टेस्ट वीडियो आएगी स्पोर्ट्स मोड पर, उसके बाद में नॉर्मल पर, फिर देन इको पर, और इसका मैक्सिमम कितना जो रेंज है वो आ सकती है वो भी हम देखेंगे इको पर। तो फिलहाल इस वीडियो को करते हैं यहीं पर ही खत्म, उम्मीद है आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी, अगर अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसी बहुत सारी वीडियो आनी बाकी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय एंड टेक केयर।